Hi friends, welcome to my channel. I'm Arpita Karwa, and in this video lecture, I'm going to talk about data interpretation. Data interpretation paper 1 ka ek aisa topic hai jisse almost sabhi students darte hain. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जिनसे मेरी रेगुलर बात होती है वो सब यही बोलते हैं कि मैम पेपर वन के बाकी टॉपिक्स तो हमने कर लिए बट डेटा इंटरप्रिटेशन का क्या करें कैसे प्रिपेयर करें. ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हर स्टूडेंट के दिमाग में इस वक्त चल रहे हैं. सो ये वीडियो में मैं एड्रेस करूँगी वो सारे क्वेश्चंस एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको एक पाथ दे पाऊँ, एक ब्लूप्रिंट दे पाऊँ जिसे फॉलो करके आप डेटा इंटरप्रिटेशन पे अपनी कमांड हासिल कर सकें. सो बात करेंगे हम इन सारे टॉपिक्स की कुछ ही मिनट्स में, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू मेक अ अनाउंसमेंट. लास्ट वीक अगर आपने नोटिस किया हो, मेरे चैनल पे पहली बार एक वीडियो नहीं डाला था वीकेंड पे, एंड द रीज़न इज दैट आई एम वर्किंग ऑन समथिंग बिग फॉर माय स्टूडेंट्स. सो देयर इज अ बिग सरप्राइज कमिंग फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ arpitakarwa.com. अभी वो काम चल रहा है सो मैं नहीं रिवील करना चाहूँगी, बट वेरी सून आई एम गोइंग टू मेक द ऑफिशियल अनाउंसमेंट ऑन माई चैनल. सो स्टे ट्यून्ड एंड देयर इज समथिंग रियली रियली अमेजिंग दैट इज ऑन द वे. सो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन होता क्या है. नाउ डेटा इंटरप्रिटेशन कम्स फ्रॉम टू वर्ड्स, डेटा एंड इंटरप्रिटेशन. डेटा का मतलब होता है कोई भी इंफॉर्मेशन जिसे एक सिस्टमैटिक तरीके से आपके सामने प्रेजेंट किया गया है, एंड इंटरप्रिटेशन मीन्स एनालिसिस, जब आप उस पर कुछ कैलकुलेशंस करके उससे कोई रिजल्ट निकालना चाहते हैं, दैट इज इंटरप्रिटेशन, व्हेन यू वांट टू इन्फर समथिंग फ्रॉम द डेटा. नाउ डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन में आपको डेटा बहुत तरीकों से दिया जा सकता है. या तो पाई चार्ट दे देंगे वो, या एक टेबल दे देंगे, या फिर बार ग्राफ के थ्रू आपको डेटा दिया जाएगा, एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट डेटा दे विल गिव यू 5 क्वेश्चंस. इन 5 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना होता है डेटा को यूज़ करके, प्लस डेटा के ऊपर कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस अप्लाई करके. साउंड्स ईजी राइट, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है फ्रेंड्स? प्रॉब्लम यहाँ आती है कि जब भी आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, यू मेक सर्टेन मिस्टेक्स. इन मिस्टेक्स की वजह से या तो आप उस क्वेश्चन को ढंग से अटेम्प्ट नहीं कर पाते, या फिर बहुत सारा टाइम आप खराब कर देते हैं सिर्फ इन 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर दीज की मिस्टेक्स व्हिच यू कैन अवॉइड इन द पेपर व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चंस. द फर्स्ट की मिस्टेक दैट स्टूडेंट्स डू इज दैट दे थिंक दैट दे नीड टू अटेम्प्ट ऑल द 5 क्वेश्चंस. हमें ऐसा लगता है कि अगर हमने डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन सॉल्व करना है और उसमें से हमने सिर्फ 3 क्वेश्चंस ही सॉल्व करे, तो शायद एग्जामिनर हमें धक्के मार के एग्जाम हॉल से बाहर निकाल देगा. समझिए इस चीज़ को, वी नीड टू प्ले स्मार्ट. एग्जाम्स में हार्ड वर्क के साथ में स्मार्ट वर्क का होना बहुत ज़रूरी है. आप कोई भी डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन चूज़ करिए, आप देखेंगे उनमें से कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत इजीली और सिंपल कैलकुलेशंस के साथ सॉल्व हो जाते हैं, और एक दो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें बहुत लेंथी कैलकुलेशंस चाहिए होती है. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि जो 5 क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं उनमें से आप कुछ क्वेश्चंस छोड़ भी सकते हैं. जो क्वेश्चंस आपको लेंथी लग रहे हैं उन्हें छोड़ दीजिए, उन्हें अटेम्प्ट मत करिए, सिर्फ तुक्का मार के आ जाइए उनमें. क्योंकि अगर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप 10 मिनट लगा रहे हैं, तो उस 10 मिनट में आप 15 इजी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. सो आपका पेपर छूट जाता है इसीलिए, बिकॉज आप उस एक हार्ड क्वेश्चन में बहुत टाइम लगाते हैं. और ये चीज़ समझिए, चाहे हार्ड हो चाहे इजी हो, हर क्वेश्चन में आपको मिलेंगे तो सेम मार्क्स ही. अगर आप एक हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दैट डजेंट मीन यू विल गेट 10 बोनस पॉइंट्स. इसीलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं उनमें से हम कुछ क्वेश्चंस छोड़ सकते हैं. कोई भी डेटा इंटरप्रिटेशन के सवाल में 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चंस इजी या मीडियम डिफिकल्टी के होते हैं, 2 क्वेश्चंस हार्ड होते हैं. सो आप अगर एक एवरेज स्टूडेंट है, आपकी मैथ्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, सो आप सिर्फ उन 3 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए और आगे बढ़ जाइए, ना कि अपनी सारी टाइम और एनर्जी लगा के उन 2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें. बिकॉज उन 2 क्वेश्चंस का टाइम जितना आपको लग रहा है, उस टाइम में आप बहुत सारे और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. सो ईगो इशू मत बनाइए कि नहीं मैं 5 के 5 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करूंगा. प्ले स्मार्ट. कई क्वेश्चन जो आपको लग रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है या फिर जिनमें बहुत लेंथी कैलकुलेशंस है, छोड़ दीजिए उन्हें, मत सॉल्व करिए, आगे बढ़ जाइए. सो नो विच क्वेश्चन टू सॉल्व एंड विच टू स्किप.
सेकेंड की मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं वो ये होती है दैट स्टूडेंट्स बिलीव दैट दे आर पुअर एट मैथ्स एंड देयरफॉर दे कैन नेवर अटेम्प्ट डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चंस करेक्टली. यू नीड टू ब्रेक दिस मिथ बिकॉज अगर आप यूजीसी नेट के डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस को देखेंगे सो यू विल फिगर आउट दैट ये बेसिक मैथ्स इन्वॉल्व करती है. इनके जो कैलकुलेशंस है वो बहुत सिंपल होते हैं. बैंक पीओ एसएससी इन एग्जाम्स में जो डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस होते हैं दे आर रियली टफ. बट यूजीसी नेट के पेपर में जो डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस होते हैं दे आर रिलेटिवली कंपैरेटिवली वेरी इजी. अगर आपको 9th 10th की बेसिक मैथ्स भी आती है सो यू कैन डेफिनेटली सॉल्व एटलीस्ट 3 out of 5 क्वेश्चंस. और इसके लिए आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल. जब मैंने पहली बार डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करी थी नेट की जब मैं तैयारी कर रही थी तब मुझे भी यही मिथ था कि मेरी मैथ्स तो इतनी स्ट्रांग नहीं है तो आई कैन नॉट सॉल्व सच क्वेश्चंस. बट जब मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाए और कई क्वेश्चंस देखे जो इतने सिंपल थे कि वो 5 मिनट में सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए दैट इज़ वॉट बूस्टेड माई कॉन्फिडेंस. कई बार आपको डिजिट्स इतनी सिंपल मिलेगी डेटा के अंदर 10, 50, 30 दैट इट विल टेक यू लेस देन 30 seconds टू सॉल्व 1 question. सो ये ब्रेक करिए इस मिथ को कि अगर मेरी मैथ स्ट्रांग नहीं है तो मैं डेटा इंटरप्रिटेशन को अटेम्प्ट नहीं कर सकता या कर सकती. यू कैन डेफिनेटली डू इट. जब हम इस माइंडसेट के साथ एग्जाम हॉल में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि लेट मी गिव इट अ ट्राई, हो गया तो बहुत बढ़िया. सो अगर आप इस माइंडसेट के साथ बैठेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आइडियाज आएंगे. जब हम सोच लेते हैं कि अब ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता हमारा माइंड आइडियाज देना बंद कर देता है. सो बी ओपन टू द आइडियाज, बी ओपन टू द फैक्ट दैट येस इफ आई ट्राई आई कैन डेफिनेटली सॉल्व इट. अगर मैं आपको बोलूँ 50/100 करिए सो कैन यू नॉट डू इट, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं. सो इस मिथ के साथ एग्जाम हॉल में मत जाइए कि डेटा इंटरप्रिटेशन मैथ्स numbers, calculations, I cannot do it. You can do it. Basic चीज़ें तो हम कर ही सकते हैं. So इस myth को break करिए and then try to solve the questions. So now let's see what's the third mistakes that student usually do when it comes to data interpretation questions. Now you need to understand the fact guys that जब आपके सामने question paper आता है सो सबसे पहले अगर डेटा इंटरप्रिटेशन का question है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वही पहले attempt करना है. I have seen a lot of my students doing this mistake that अगर पेपर में सबसे पहले डेटा इंटरप्रिटेशन है तो वो सॉल्व करने बैठ जाते हैं और हो सकता है वो क्वेश्चन में कैलकुलेशंस टिपिकल हो या फिर लेंथी हो जिस वजह से उनका 15 से 20 मिनट सिर्फ उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में चला जाता है. ड्यू टू विच वॉट हैपन्स इज दैट जो क्वेश्चन उनको ऑलरेडी आते थे, जो थ्योरेटिकल पोर्शन वो अच्छे से पढ़ के गए थे, वो अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते एग्जाम में. Understand the fact guys that exam में easy और hard question दोनों के लिए same marks मिलेंगे. इसीलिए सबसे पहले easy sections को easy questions को complete करें and then you move on to data interpretation. सबसे पहले सारा theory के जितने भी questions है वो attempt करें जिस भी order में paper हो. Examiner is not going to deduct marks if you don't solve the question paper in the proper manner. अब क्योंकि जो एग्जाम है वो ऑनलाइन हो गया है सो इट्स वेरी इजी फॉर यू टू स्किप क्वेश्चंस एंड देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आप सबसे पहले थ्योरेटिकल पोर्शन कवर करें, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करें, लॉजिकल मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करें एंड एट द एंड डेटा इंटरप्रिटेशन पे आए जिससे इन केस अगर आपका टाइम अप हो भी जाता है तो भी यू डोंट लूज आउट ऑन दोज 45 क्वेश्चंस. 5 questions में 20 मिनट लगाना समझदारी नहीं है. As I've already told you, you need to play smart. Hard work है लेकिन hard work के साथ में smart work ज़रूरी है. Exam paper आपका सिर्फ knowledge check नहीं करता, वो आपका common sense, आपका time management, आपके aptitude skills सब कुछ check करता है. So अगर आप में knowledge है लेकिन आप उस knowledge को properly उस 1 घंटे में apply नहीं कर पाए so उस knowledge का क्या फ़ायदा. इसीलिए मेक इट अ पॉइंट दैट डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन चाहे इजी हो चाहे हार्ड हो एट द एंड यू नीड टू सॉल्व सो दैट इवन इफ द टाइम इज अप यू डोंट लूज आउट ऑन द अदर मार्क्स. सो नाउ दैट वी हैव नोन द मेन मिस्टेक्स दैट स्टूडेंट्स डू व्हेन इट कम्स टू डेटा इंटरप्रिटेशन इट्स टाइम टू नो हाउ टू प्रिपेयर फॉर डेटा इंटरप्रिटेशन.
आई नो दैट एग्जाम आने वाले हैं एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने रिपीटेडली हमें यूट्यूब कॉमेंट्स में ये बोला है कि प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन डेटा इंटरप्रिटेशन एंड टेल अस हाउ शुड वी प्रिपेयर फॉर इट. सो डेटा इंटरप्रिटेशन को प्रिपेयर करने के लिए आपको दो स्टेप्स पता होने चाहिए. द फर्स्ट इज कॉन्सेप्ट एंड द सेकेंड इज कैलकुलेशन. नाउ वॉट इज कॉन्सेप्ट? कोई भी क्वेश्चन अगर आप डेटा इंटरप्रिटेशन का सॉल्व करना चाहते हैं सो यू शुड नो द बेसिक कॉन्सेप्ट. नाउ कॉन्सेप्ट इज गोइंग टू इन्वॉल्व टू थिंग्स अगेन. वन इज द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन एंड द अदर इज द मेन मैथमेटिकल फॉर्मूलेज. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक क्वेश्चन में लिखा जाता है कि यू नीड टू फाइंड आउट द परसेंटेज चेंज और द परसेंटेज इंक्रीज ऑफ द प्रोडक्शन, आपको लैंग्वेज से पता होना चाहिए कि परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज का मतलब है ग्रोथ रेट फाइंड आउट करना. मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने स्टूडेंट्स में ये चीज़ देखी है कि वो क्वेश्चन देख के समझ नहीं पाते कि हमें करना क्या है, क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द क्वेश्चन आस्किंग अस टू डू. सो क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझना इज अ पार्ट ऑफ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग. आपको पता होना चाहिए कि लैंग्वेज जो ट्रिकी है उस ट्रिकी लैंग्वेज में वो एग्जामिनर पूछ क्या रहा है. आई गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल. इन लिटरेचर मोस्टली हम लोग स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि अगर आपको एक पोएम दी गई है एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट सिमिली, आपको उस लाइन में एज या लाइक ढूंढना है. सिमिली दैट इज कंपेरिजन तब होता है जब हम एज या लाइक वर्ड्स का यूज करते हैं. ओके, सिमिलरली अगर आपको बोला जा रहा है परसेंटेज इंक्रीज विच मीन्स यू नीड टू फाइंड आउट द ग्रोथ रेट, अगर आपको बोला जाता है 10 आउट ऑफ 20 स्टूडेंट्स दैट मीन्स 20 इज गोइंग टू कम इन द डिनोमिनेटर एंड 10 इज टू कम इन द न्यूमरेटर. सो ये कुछ बेसिक लैंग्वेज टर्मिनोलॉजी है जो आपको क्लियर होने चाहिए. आई हैव सीन स्टूडेंट्स कमिटिंग दिस मिस्टेक दैट 10 आउट ऑफ 20 में वो समझ नहीं पाते कि कौन सी चीज़ डिनोमिनेटर में आएगी या कौन सी चीज़ न्यूमरेटर में आएगी. एज वेल एज कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में आपको बेसिक फॉर्मुलेज पता होने ज़रूरी है. परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ग्रोथ रेट कैसे निकालते हैं, फ्रैक्शंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, रेशियो को कैसे सॉल्व किया जाता है, डेसिमल्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये कुछ बेसिक 7th, 8th, 9th की मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, टॉपिक्स हैं जो आपको क्लियर होने ज़रूरी है. सो अगर आज आप डेटा इंटरप्रिटेशन की तैयारी शुरू कर रहे हैं सो बेसिक कॉन्सेप्ट्स पहले क्लियर करें, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझें एंड देन मेक अ नोट ऑफ इट कि अगर डेसिमल है तो 0.00, ये पॉइंट के बाद जीरो कब लगता है. ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए अगर आपकी मैथ्स वीक है, बिकॉज 8th स्टैंडर्ड को पास करे हुए बहुत टाइम हो गया है एंड इट्स टाइम टू रिवाइज दोज कॉन्सेप्ट्स अगेन. बिना कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते. कैलकुलेशन इज द सेकेंड पार्ट, बट कॉन्सेप्ट नहीं आता तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे. कैलकुलेशन फास्ट नहीं है तो आप उस क्वेश्चन में बहुत टाइम लगाएंगे. एक क्वेश्चन जो 20 सेकेंड्स में हो सकता है वो कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होने की वजह से 50 सेकेंड्स में होगा. लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, फर्स्ट लेवल ही नहीं आता, तो वो क्वेश्चन कभी भी सॉल्व नहीं होगा. सो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करें, लैंग्वेज को समझने की कोशिश करें एंड बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मुलेज को याद रखें. सो नाउ वी मूव ऑन टू द सेकेंड स्टेप. फर्स्ट स्टेप इज कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग. कॉन्सेप्ट्स पे आपकी पकड़ हो गई, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, उसके बाद क्या ज़रूरी है? उसके बाद ज़रूरी है कैलकुलेशन को फास्ट बनाना, बिकॉज हमारे पास मैक्सिमम 10 मिनट्स होंगे डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. और अगर आप 10 मिनट्स में 5 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे दैट मीन्स आपकी कैलकुलेशंस काफ़ी वीक है. एंड कैलकुलेशंस को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जा रहा है? इज देयर एनी टॉनिक? नो, देयर इज नो टॉनिक, देयर इज नो मैजिक ट्रिक, इट्स ओनली प्रैक्टिस. प्रैक्टिस करने से आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट देखेंगे. जो क्वेश्चन पहले आप 5 मिनट में करते थे वो 3 मिनट में होने लग जाएगा, कुछ दिन बाद वही क्वेश्चन 1 मिनट में होने लग जाएगा. सो प्रैक्टिस इज द की. कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग क्यों ज़रूरी है? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट एक क्वेश्चन जिसमें आपको 20 सेकेंड्स लगने हैं, कैलकुलेशन वीक होने की वजह से उसमें आपको 1 मिनट लगेगा. सो दोज 40 सेकेंड्स एक्स्ट्रा कैन कॉस्ट यू अ लॉट. एंड उस 40 सेकेंड्स का गैप को कम करने में
प्रैक्टिस हेल्प करेगी. सो जितने डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करें उतना बेस्ट है. देयर आर अ फ्यू पीपल हु आर गोइंग टू टेल यू दैट आप शॉर्टकट मेथड्स यूज करें, बट आई एम टेलिंग यू पर्सनली फ्रॉम माय एक्सपीरियंस दैट शॉर्टकट मेथड्स पे इतनी जल्दी कमांड हासिल नहीं करी जा सकती. सो सॉल्व इट द ट्रेडिशनल वे, जैसे आप पहले करते थे उसी मेथड से आप सॉल्व करिए. ज़्यादा से ज़्यादा यू कैन यूज अप्रॉक्सीमेशन, विच मीन्स दैट अगर आपके चार ऑप्शन एम सी क्यू के काफ़ी दूर दूर है, 70, 135, 238, 500 इतने दूर ऑप्शंस हैं, सो आप फर्स्ट डिजिट को सॉल्व करके पता कर पाएंगे कि 7 point something आ रहा है, दैट मीन 70 इज गोइंग टू बी द आंसर. ओके, सो इस तरीके से आप अप्रॉक्सीमेशन यूज करके टाइम बचा सकते हैं. बट उसके अलावा और शॉर्टकट ट्रिक्स यूज करने की एडवाइस मैं आपको नहीं दूंगी. स्टिल इफ यू आर ब्रिलियंट एट मैथ्स यू कैन डेफिनेटली सॉल्व दोज क्वेश्चंस बाय दोज ट्रिक्स. अगर आप उतने एफिशिएंट नहीं है मैथ्स में, सॉल्व इट इन अ ट्रेडिशनल मैनर बट प्रैक्टिस मोर एंड मोर. देयर इज अ ब्यूटिफुल सेइंग इन हिंदी, करत करत अभ्यास जड़मति होए सुजान, कि एक स्टूपिड इंसान, एक मूर्ख इंसान भी अगर प्रैक्टिस करता है तो वो भी बेटर होता जाता है. सो हम तो डेफिनेटली मूर्ख नहीं है, वी आर स्ट्रॉन्ग एंड इंटेलिजेंट पीपल. सो अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू यील्ड रिजल्ट्स. सो फॉलो दीज टू स्टेप्स. फर्स्ट इज द कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड देन इज प्रैक्टिसिंग सो दैट यू बिकम बेटर एट कैलकुलेशन. सो कॉन्सेप्ट एंड कैलकुलेशंस पे काम करिए एंड देन सी हाउ ब्यूटिफुली यू आर एबल टू टैकल द डी आई क्वेश्चंस ऑन द डे ऑफ द एग्जाम. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो लेक्चर. वील सून मीट इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर. टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, हैप्पी लर्निंग, कीप लविंग लिटरेचर एंड स्टे ट्यून्ड टू arpitakarwa.com.